गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ बच्चों को शिकायत थी कि मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं दिया हूँ, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, बट इस बार आपको मैं पूरा सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट यू शुड हैव बुक चैप्टर वन का एक्सरसाइज वन का सॉल्यूशन है ना। चैप्टर वन का एक्सरसाइज वन का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको समझ में आना चाहिए है ना, किसे करना है। आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं दिया जा सकता, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो फर्स्ट है इसमें -3 × 9। आपने क्लास सिक्स में जो पढ़ा है उसी का ही है, ये है ना, कुछ नया नहीं है। 3 × -5 −2 −5 × 6 −4 × 9 −2 × 9 × −2 −6 sorry. Okay. −3 × 4 −5 × −6 × 2 −2 × 5 × −8 क्वेश्चन 2। तो देखिए इसमें 9 × 2 = 18, ये होगा −18 क्योंकि 1 एक ही माइनस है, ये −27। तो माइनस लगा हुआ साइन जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा, मीन्स −18 इज ग्रेटर देन −27। ओके, नॉर्मल नंबर होता विदाउट माइनस तो वो 27 बड़ा होता, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस विल बी −18 विल बी ग्रेटर देन −27। अब यहाँ पे भी वैसे ही आप देख सकते हैं, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30। माइनस का पेयर है, मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस वीडियोज में कि माइनस का अगर पेयर है तो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पेयर है, जोड़ी है, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि एक ही माइनस है, मतलब ऑटोमेटिकली दिस विल बी ग्रेटर देन दिस वन। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ओके, 4 × 9 = 36, यहाँ पे भी पेयर है तो ये भी 2 × 4 = 36, तो यहाँ पे आएगा इक्वल साइन। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है लेकिन जीरो है, तो आपको पहले ही बताया है जीरो से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस अकेले, ये फिर से ग्रेटर देन। ये पेयर में 5 × 6 = 30, माइनस साइन पेयर में, तो यहाँ पे 30 हो रहा है। ठीक है, 5 × 8 = 40, 42 × 18, और ये भी पेयर में तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है, तो ये 80 जो है 30 से बड़ा होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 2, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट −8 × 5 × 4, 5 × 4 = 20, 2 × 8 = कितना होता है 160। सेकेंड क्या होगा, 9 × 0 × 2, कोई भी नंबर आए जीरो से मल्टीप्लाई है दैट मीन्स दैट विल बिकम जीरो। ओके, तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। −42 × 6 × 3, तो 3 × 6 = 18, −42 × 18 करेंगे तो 18 × 2 = 36, और 18 × 4 = 72 + 3 = 75, क्योंकि माइनस साइन एक ही है तो ये आंसर −756 आएगा। ठीक है, थर्ड, फोर्थ में 5 × −75 × −7। तो देखिए माइनस माइनस साइन दो बार है, पेयर है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन रिजल्ट पर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आया
यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करके 7535 इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 5 25, ठीक है, या 35 5 फिर से याद कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका 7 + 3 10 हो रहा है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इतना तो वो बनता है 75 × 35 करके आंसर निकालेगा, है ना, डू करके -30 × −25 × 8 तो 25 8 जाए, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीरो में चेंज है, 8 5 = 40, 8 2 = 16 + 4 = 20, तो ये -200, 3 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 1 2 3, ठीक है 6000, क्योंकि माइनस साइन पेयर में है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा रिजल्ट में, ठीक है। -8 × −12 −30, तो ये हो गया 96 × 30, तो 3 6 = 18, है ना, या सिंपल सर 96 3 कितना आएगा 18 3 9 = 27 28 288, ठीक है, और ये 0 को 0 क्योंकि माइनस का पेयर है इसलिए प्लस हो गया वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द कोशेंट, फाइंड द कोशेंट, फाइंड आउट द कोशेंट, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट है आपका −18 / 16, तो 16 का टेबल टेबल अगर आपको याद है ये कितना आएगा 5 16 5 18, लेकिन माइनस का साइन हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्ट वाले में, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा वो पेयर में होना चाहिए, तो रिजल्ट के साथ, ठीक है, रिजल्ट में अगर पेयर नहीं है, रिजल्ट के पहले अगर पेयर होगा तो रिजल्ट के बाद पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे 2 माइनस है तो रिजल्ट में नहीं आया, यहाँ पे 1 माइनस है तो इधर रिजल्ट में आया, इसलिए यहाँ पे पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन में पेयर बन गया 1 2, ठीक है, इक्वल टू के बाद, तो कहीं ना कहीं से वो पेयर में होगा, चाहे इंटू हो चाहे डिवाइड हो, यहाँ 1 में है तो यहाँ इसमें भी आएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका −24 / −8, यहाँ दोनों में पेयर है तो रिजल्ट में वो नहीं दिखेगा, 8 3 ये डायरेक्टली आंसर होगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, बाकी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना दैट विल डिफिकल्ट टास्क, वैसे आसान आसान है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ओके, इजी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, इजी टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 में आते हैं, है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो 1 19 10 10 का टेबल है, 1 का टेबल है, 16 का टेबल है, तो 16 का स्क्वायर है तो रिजल्ट में 16 आएगा, फिफ्थ वाले में 17 10 13 5 65, ठीक है, थर्ड में 13 5 तो 50 आएगा रिजल्ट में, -50 लिख लीजिएगा थर्ड में, ओके, इसका थर्ड में आंसर क्या आएगा -50, ओके, सो इस तरह से करेगा। नेक्स्ट पर पुट द करेक्ट साइन, इसमें भी आपको इसका और इसका यूज करना है, दोनों में से किसी एक का, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है प्लस माइनस वाला है, तो प्लस माइनस वाला खेल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे पेयरिंग वाला किस्सा नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस में पेयरिंग वाला किस्सा नहीं है, किसमें पेयरिंग होता है इनटू और डिवाइड, यहाँ पे दोनों अगर सेम साइन है तो यहाँ पे एडिशन होगा, है ना, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, है ना, तो ये क्या है कम्यूटेटिव लॉ है, -3 + -4 - 4 + -3, तो ये क्या होगा इक्वल होगा -5 - -7, यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये माइनस ही रहेगा, -(+), यहाँ पे जब बाहर निकालेंगे तो 4 जो है माइनस रहेगा, है ना, -3 - -4 हो जाएगा, -4 - -3 हो जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट में चेंज क्या करेगा।